जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं वीडियोस में कि आप हमारे बारे में चर्चा नहीं करती, हमारे बारे में बात नहीं करती। यानी वो लोग हैं स्टूडेंट्स, जो छात्र हैं हमारे, वो अक्सर लिखा करते हैं दैनिक राशिफल के वीडियो के नीचे, हमारे बहुत सारे वीडियोस के नीचे, कि आप हमारे बारे में विस्तार से बताइए। तो अभी आपको मैं इस वीडियो में क्या जानकारी देने वाली हूँ, वो जानकारी होगी साल 2022 से जुड़ी हुई। जी हाँ, दिसंबर महीना चल रहा है, बस अब ये साल खत्म ही होने वाला है, कुछ ही चंद दिन बाकी रह गए हैं। तो आप अपनी प्री प्लानिंग शुरू कर चुके होंगे साल 2022 को लेकर। जिन लोगों को कहीं एडमिशन लेना है वो अलग प्लानिंग कर रहे होंगे, जिनके एग्जाम्स हैं वो अलग प्लानिंग कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताऊं कि साल 2022 यानी 365 दिन आपके कैसे बीतेंगे। पूरे साल में जो भी ग्रह के गोचर होंगे उसके आधार पर मैंने ये आपका राशिफल तैयार किया है। उम्मीद यही करती हूँ कि आपको ये राशिफल के माध्यम से आपको बहुत मदद मिले आपकी प्री प्लानिंग में, आपको काफ़ी हद तक जो है आप अपने साल, आने वाले साल को, नए साल को, 2022 को बहुत अच्छा बना सकें। जो गलतियाँ आपने 20 और 21 में की हैं वो 22 में ना दोहराएं, ये इससे आपको वो भी मदद मिलेगी। ताकि हम ये कोशिश यही रहती कि आगाह कर सके कि किन किन जगहों पर आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। शिक्षा हर इंसान के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो कह सकते हैं कि ये राशिफल जो है वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और साथ ही छात्र जीवन के लिए, आपकी राशि के अनुसार छात्र जीवन के लिए सटीक दिशा और मार्गदर्शन आपको देगा। तो ये उन छात्रों, इसके जरिए उन छात्रों को जो इस वर्ष किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले, उन्हें ग्रहों और नक्षत्रों की चाल, स्थिति और गोचर के अनुसार अच्छी व बुरी अवधि का ज्ञान मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको जो है आप किसी जो है स्नातक के विषयों को चुनने में भी आपको किसी प्रकार की शंका हो रही है तो आपको हम इससे आपको उससे भी मदद मिलेगी। बहुत सारी सही चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि साल 2022 आपकी किस्मत को बदलेगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं बुरी बातों को भी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कौन सी अवधि अच्छी होगी जब आप आसानी से किसी विषय को समझने में सक्षम होंगे, आपको किस परीक्षा में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, हर एक विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। बृहस्पति और बुध को वैदिक ज्योतिष में शिक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। जहां बृहस्पति किसी भी जातक के जीवन में ज्ञान का कारक होता है, वहीं बुध ग्रह बुद्धि का कारक माना जाता है। साल 2022 की शुरुआत में बृहस्पति मकर राशि में और मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि के साथ युति करेगा, जिसकी वजह से इस राशि में नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। अप्रैल महीने में बृहस्पति और शनि बारी बारी से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और जुलाई महीने तक कुंभ राशि में ही स्थित रहेंगे। साल की शुरुआत में बुध भी मकर राशि में मौजूद रहेगा और मार्च के महीने में कुंभ राशि में गोचर करेगा। तो ये तो हमने बात की कुछ ग्रहों के बारे में, किन किन ग्रहों का असर आपके जीवन पर पड़ेगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपका ये राशिफल तैयार किया है। ये राशिफल आपकी जो है चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। तो जो भी आपकी चंद्र राशि होगी उसके आधार पर ही आप इस राशिफल को देखिएगा। हर एक राशि के बारे में, 12 राशि के बारे में चर्चा करेंगे सभी राशि वालों के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। और अगर फिर भी आपके मन में कोई दुविधा रह जाती है, कोई सवाल होता है जो आप हमसे बात करके उसको सॉल्यूशन चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टोसेज वार्ता का लिंक मिलेगा, बस आपको वहां क्लिक करने की देरी है। जब आप हमसे बात करेंगे तो बहुत सारे आपके डाउट्स वहां, आपके पर्सनल लाइफ के, वहां हम क्लियर कर देंगे। ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो हमने इस जो है हर किसी को ध्यान में रख के राशिफल तैयार किया है। तो कोई अगर आपकी शंका जो है आपके जीवन से जुड़ी हुई है तो उसको दूर कीजिए एस्ट्रोसेज वार्ता के थ्रू। और अगर कोई जेनरिक सवाल है, यानी ज्योतिष के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कोई ऐसा जेनरिक सवाल जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो, वैसा कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आने वाली वीडियोज में शामिल करके उसका जवाब दूंगी। आने वाली वीडियोज कौन सी, जो हर शाम 5 बजे हमारे चैनल पर अपलोड होती है दैनिक राशिफल की वीडियो, क्योंकि वहां मैं हर दिन आपसे जुड़ती हूँ, तो जो भी आप सवाल पूछेंगे आपको उसका जवाब वहां मिल सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि बार बार आपको चैनल पर विजिट ना करना पड़े। हर दिन जब 4-5 बजे हमारे चैनल पर वो दैनिक राशिफल का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप एक टैप से हमारे साथ आसानी से जुड़ जाइए और उस दिन का हाल तो जाने ही, साथ ही अपने सवालों का जवाब भी पा लीजिए। तो फिलहाल चलिए जानते हैं कि छात्रों के लिए कैसा रहेगा साल 2022। ये सिर्फ छात्रों को ही सुनने की जरूरत नहीं है, उन माता पिता को भी सुनने की जरूरत है जिनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर वो बेहद चिंतित रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। साल 2022 की शुरुआत मेष राशि के जातकों के लिए बेहतर हो सकती है। जनवरी मध्य से मार्च मध्य की अवधि में सूर्य जो आपके पंचम भाव का स्वामी है, सबसे पहले आपके चतुर्थ भाव पर और फिर बाद में आपके पांचवें भाव पर दृष्टि डालेगा। इससे मेष राशि के छात्रों में गतिशीलता और आत्मविश्वास आने की संभावना है, जिससे वे अपने विषयों को आसानी से पढ़वा समझ पाने में सफल रह सकते हैं। छात्र इस दौरान, इस अवधि में जो है फाइनल की परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करेंगे।
मई से लेकर जुलाई तक की अवधि मेष राशि के उन छात्रों के लिए सुस्त रह सकती है जो आगे की पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, क्योंकि इस अवधि में शनि आपके पंचम भाव यानी कि शिक्षा के भाव पर दृष्टि डालेगा। इस वजह से इस अवधि में छात्रों को किसी भी विषय को समझने में कुछ चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मेष राशि के वो छात्र जो किसी इंस्टीट्यूट में संस्था में दाखिला लेने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें इस कार्य में कुछ परेशानी आ सकती है। आपको इस दौरान अधिक धैर्यवान होने की जरूरत है, क्योंकि आपको अपनी मेहनत के नतीजों का परिणाम पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। साल 2022 मेष राशि के उन छात्रों के लिए प्रतिकूल रहने की आशंका है जो कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की योजना बना रहे हैं। खास करके साल 2022 के पहले 6 महीने आप जो है आपके छात्र जीवन में कठिनाइयां लेकर आ सकते हैं। अगस्त महीने के अंत तक आपके पंचम भाव यानी कि शिक्षा के भाव पर 3 ग्रह यानी कि सूर्य, बुध और शुक्र का विशेष प्रभाव रहेगा। ये सभी समय जो है सभी छात्रों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान आपकी एकाग्रता बढ़ सकती है और साथ ही आप एक ही समय में कई विषयों को समझ पाने में समर्थ रह सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस अवधि में किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने की भी प्रबल संभावना है। साल 2022 के अंतिम 6 महीने में ज्ञान के कारक ग्रह बृहस्पति आपके पंचम भाव पर दृष्टि करेंगे, जिसकी वजह से इस अवधि में आपको सकारात्मक फल प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप विषयों या स्कूलों और कॉलेजों से संबंधित कोई निर्णय लेने की योजना बना रहे हैं तो अप्रैल मध्य के बाद की अवधि इस कार्य के लिए अनुकूल रह सकती है। आप अपने लिए चीजों का मूल्यांकन करने और इस अवधि के दौरान सही निर्णय लेने में सक्षम रह सकते हैं, क्योंकि इस समय तक बृहस्पति आपकी नीचता से बाहर निकल जाएगा। वर्ष 2022 का मेष राशि के लिए अगर और भी आपको कुछ खास जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अब वृषभ राशि के जातकों पर। तो सालाना जो है शिक्षा राशि फल 2022 के अनुसार देखें तो वृषभ राशि के छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है, क्योंकि आपके 12वें भाव का स्वामी मंगल की दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी। हालांकि वो जातक जो विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए अवधि अन्य की अपेक्षा में बेहतर रहने की संभावना है। इस दौरान उन्हें किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। जनवरी मध्य से मार्च तक की अवधि उन छात्रों के लिए बेहतर रह सकती है जो दर्शन या फिर अनुसंधान यानी रिसर्च से जुड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान मंगल आपके 8वें भाव में स्थित रहेगा। साल 2022 की पहली तिमाही के बाद शनि की आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से जुलाई के महीने तक वृषभ राशि के छात्रों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जुलाई के बाद की समयावधि छात्रों के ध्यान और एकाग्रता में सुधार कर सकती है, क्योंकि इस दौरान उनमें विषयों के बारे में अधिक जानने और अपने अंदर चीजों की आदत डालने की इच्छा जागृत हो सकती है। यह सब आपके 8वें भाव के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ने की वजह से होने की संभावना है। आपके 5वें भाव के स्वामी बुध का आपके प्रतियोगिता के भाव में गोचर होगा, जिसकी वजह से अगस्त से लेकर अक्टूबर तक की अवधि वृषभ राशि के उन छात्रों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। इस अवधि में आपके अंदर जुझारूपन बढ़ने की संभावना है, जिसकी वजह से इस अवधि में आप किसी भी प्रतियोगिता में सफल हो सकते हैं। साल 2022 का अंत उन छात्रों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या फिर PhD कर रहे हैं। इस दौरान आपके अंदर विषयों को गहराई से समझने और विस्तार से जानने की आदत पैदा हो सकती है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी इस दौरान गहरे रहस्यों के 8वें भाव से गोचर करेंगे। वृषभ राशि के छात्रों के लिए यह साल जो है 2022 औसत रहने की आशंका है, क्योंकि उन्हें कुछ भी सीखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए कठिन अध्ययन करना पड़ सकता है। हालांकि कॉलेज जाने वाले छात्रों और उच्च शिक्षा की योजना बना रहे छात्रों के लिए समय अच्छा रहने की संभावना है। साल 2022 के बारे में वृषभ राशि के बारे में अगर और कुछ जानना है तो नीचे कमेंट कीजिए। फिलहाल बढ़ते हैं अब मिथुन राशि के जातकों पर। वैदिक ज्योतिष पर आधारित शैक्षिक राशिफल 2022 की भविष्यवाणी के अनुसार साल की शुरुआत में छात्रों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस अवधि में उन्हें भाग्य का साथ भी नहीं मिलने की आशंका है, क्योंकि इस दौरान शनि की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर रहने वाली है। इस दौरान छात्रों को परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत से अध्ययन करना पड़ सकता है। अप्रैल महीने के बाद जब शनि कुंभ राशि में गोचर कर जाएगा तब मिथुन राशि के छात्रों की परिस्थिति में सुधार आना शुरू हो सकता है। वो छात्र जो किसी कॉलेज में प्रवेश के लिए परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए अप्रैल के मध्य से बेहतर अवधि रहने की संभावना है, क्योंकि इस अवधि में मिथुन राशि के एकादश भाव में ज्ञान के ग्रह बृहस्पति का गोचर होगा। इस दौरान गुरु आपके लगन यानी कि प्रथम भाव और शिक्षा के पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इस अवधि में छात्र अपनी क्षमता का विस्तार कर सकते हैं और अपने विषयों में उनकी गहरी रुचि देखने को मिल सकती है। साथ ही उनके पास इस अवधि में समय के स्वयं के अध्ययन के लिए उपयुक्त विषय और स्ट्रीम चुनने की बुद्धि विकसित होने की संभावना है। हालांकि छात्रों को अपने 5वें घर में केतु की उपस्थिति के कारण एकाग्रता संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि इस दौरान आप अपने स्वयं के प्रदर्शन और अपनी परीक्षाओं के परिणामों से संतुष्ट नहीं रहेंगे। मिथुन राशि के वो छात्र जो विदेशी भाषा और अनुवाद संबंधित अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए यह समय अनुकूल रहने की संभावना है। साथ ही जो जातक विदेश में अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहने की उम्मीद है।
अप्रैल के बाद की अवधि उन छात्रों के लिए बेहतर रह सकती है जो मेडिकल या आईटी क्षेत्र में शिक्षा हासिल कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान पापी ग्रह आपके शिक्षा के भाव में गोचर करेंगे। कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए साल की पहली तिमाही तक की अवधि शिक्षा के लिहाज से अनुकूल रह सकती है, क्योंकि शनि आपके आठवें भाव में मौजूद रहेगा। संभावना है कि इस अवधि में आप पूरे परिश्रम के साथ अध्ययन करने के लिए प्रेरित होंगे और आपकी सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी। यह वर्ष सभी मिथुन राशि के छात्रों के जीवन में सीखने के लिहाज से सुखद साल साबित हो सकता है और साथ ही इस वर्ष उन्हें उनकी मेहनत के अनुसार उपयुक्त फल भी प्राप्त होने की संभावना है। साल 2022 का अगर हमने हर एंगल से आपको बताया, फिर भी कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। वार्षिक शिक्षा राशिफल अनुसार जो है देखें तो साल 2022 की शुरुआत कर्क राशि के छात्रों के लिए चुनौतियों से भरी हो सकती है, क्योंकि इस दौरान शनि की दृष्टि आपके प्रथम भाव यानी कि लगन भाव पर रहेगी। छात्रों को इस दौरान अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ सकता है, लेकिन बृहस्पति की कमजोर स्थिति के कारण आशंका है कि उनका यह प्रयास जो है सही दिशा में नहीं होगा। इसके अलावा वह जातक जो इस अवधि में प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके लिए परीक्षा में सफल होना मुश्किल भरा हो सकता है। हालांकि वर्ष की शुरुआत में मंगल जो आपके पंचम भाव का स्वामी है अपने ही घर में गोचर करेगा और उसके बाद यह प्रतियोगिता के छठे भाव से गोचर करेगा। इससे छात्रों के अंदर आत्मविश्वास और लड़ने की भावना जरूर जागृत हो सकती है, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इस अवधि में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अप्रैल मध्य के बाद का समय उन छात्रों के लिए अच्छा रह सकता है जो वैकल्पिक विषय के तौर पर विभिन्न भाषाओं का अध्ययन करने की इच्छा रखते हैं। इस अवधि में केतु आपके चौथे भाव यानी कि सीखने के भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से आपकी समझ और सीखने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। साथ ही यह समय उन जातकों के लिए भी बेहतर रहने की संभावना है जो अनुसंधान कर रहे हैं, क्योंकि इस अवधि में आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल गहराई के भाव में स्थित रहेगा। इस अवधि में ज्ञान का कारक ग्रह बृहस्पति भी आपके आठवें भाव में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से साहित्य, मनोविज्ञान और अध्यात्म का मुख्य विषय के तौर पर अध्ययन करने वाले छात्रों को फायदा होने की उम्मीद है। विदेश में अध्ययन की इच्छा रखने वाले छात्रों को अगस्त माह में इस कार्य के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगस्त मध्य से अक्टूबर तक का समय आपके लिए इस कार्य से संबंधित अनुकूल परिणाम लेकर आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अवधि में अध्ययन भाव के स्वामी ग्रह का गोचर आपके विदेशी जमीन के भाव में होगा। यदि आप विदेश में पढ़ाई की योजना बनाते हैं, आवेदन करते हैं, तो संभावना है कि मंगल का यह गोचर आपको इस कार्य में शीघ्र परिणाम देगा। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। शिक्षा राशिफल 2022 के अनुसार साल की शुरुआत सिंह राशि के उन जातकों के लिए बेहतर होने की संभावना है जो इंजीनियरिंग और आईटी के छात्र हैं, क्योंकि मंगल सिंह राशि के चौथे भाव में मौजूद रहेगा और फिर जनवरी के महीने में पांचवें भाव यानी कि शिक्षा के भाव में गोचर करेगा। यह अवधि हालांकि उन छात्रों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने की आशंका है जो साहित्य या फिर मानविकी के छात्र हैं, क्योंकि सिंह राशि के पांचवें भाव का स्वामी बृहस्पति अप्रैल के महीने तक आपके सप्तम भाव में स्थित रहेगा। ऐसे में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी, क्योंकि इस दौरान आपका ध्यान पढ़ाई से भटकने की आशंका है। अप्रैल महीने के बाद केतु का आपकी शक्ति के तीसरे भाव से गोचर होगा, जिसकी वजह से आपके अंदर इच्छा शक्ति की वृद्धि संभव है। इस दौरान आप पढ़ाई से लेकर सक्रिय और गतिशील नजर आ सकते हैं और साथ ही अच्छे परिणामों को प्राप्त करने की आपकी इच्छा आपको और भी मेहनत करने के लिए सकारात्मक तौर से प्रेरित कर सकती है। अप्रैल के बाद का समय कानून, इतिहास और आयुर्वेद या प्राकृतिक विज्ञान की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। बृहस्पति जो आपके पांचवें भाव का स्वामी है इस दौरान आपके आठवें भाव से गोचर करेगा और आपके प्रथम भाव यानी कि लगन भाव के साथ साथ मूलभूत शिक्षा और संवाद के दूसरे भाव पर दृष्टि डालेगा। सिंह राशि के वो जातक जो पढ़ाई के लिए अपने जन्म स्थान से बाहर जाने की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी ये अवधि अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि इस अवधि में आप अपने मनपसंद विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सफल हो सकते हैं। जुलाई महीने के बाद छठे भाव यानी कि प्रतियोगिता के भाव का स्वामी अपने ही भाव में गोचर करने वाला है, जिसकी वजह से यह अवधि उन छात्रों के लिए सुखद साबित होने की संभावना है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं। शनि का आपके आठवें भाव से गोचर आपके अंदर हिम्मत और ताकत पैदा कर सकता है, साथ ही इस दौरान आपका आत्मविश्वास भी बढ़ सकता है, जिसका फायदा आपको निश्चित तौर पर लिखित परीक्षाओं में मिलने की संभावना है। यह वर्ष उन जातकों को निराश कर सकता है जो विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, आपको इसके लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। शिक्षा राशिफल 2022 के अनुसार साल 2022 की शुरुआत कन्या राशि के सभी छात्रों के लिए अच्छा रहने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान उन्हें अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पांचवें भाव का स्वामी शनि इस दौरान अपने ही भाव में स्थित रहेगा। हालांकि इस दौरान आपको अपने शिक्षक और परिवार वालों से पढ़ाई में किसी भी तरह की सहायता या समर्थन मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि आपके चौथे भाव का स्वामी बृहस्पति साल के पहले चार महीनों में छठे भाव में स्थित रहने वाला है। ये परिस्थिति आपके लिए चुनौती भरी हो सकती है, लेकिन आप इस दौरान अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए
पूरी मेहनत करते नजर आ सकते हैं। अप्रैल महीने के अंत से लेकर जुलाई महीने के अंत तक की अवधि कन्या राशि के उन जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि आपके अंदर इस दौरान आपके शिक्षा भाव का स्वामी शनि प्रतियोगिता के छठे भाव में स्थित रहेगा। इसकी वजह से आपके अंदर जुझारूपन की प्रवृत्ति पैदा होने की संभावना है, जिसकी मदद से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल रह सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान आपके शिक्षक आपका पूरा समर्थन और हौसला अफजाई करते नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में बृहस्पति आपके छठे भाव में मौजूद रहेगा। कन्या राशि के वो छात्र जो विदेश में पढ़ाई के इच्छुक हैं या फिर योजना बना रहे हैं, उन्हें जुलाई महीने के बाद इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि शनि आपके 12वें भाव यानी कि विदेशी जमीन के भाव पर इस दौरान दृष्टि डालेगा। अप्रैल के बाद की अवधि केतु का आपके द्वितीय भाव यानी कि मूलभूत शिक्षा के भाव में गोचर होगा, जिसकी वजह से इस अवधि में कन्या राशि के छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। इस दौरान माता पिता को अपने छोटे बच्चों को पढ़ाने व उन्हें सामान्य मूल्यों से अवगत कराने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस अवधि में उनके बच्चे कुछ भी ढंग से समझ पाने में असमर्थ रह सकते हैं। हालांकि यह समयावधि उन छात्रों के लिए बेहतर रहने की संभावना है जो विज्ञान से संबंधित या फिर किसी विषय पर अनुसंधान से जुड़ी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि राहु आपके 8वें भाव यानी कि गहराई के भाव में गोचर करने जा रहा है। वे इस दौरान हर चीजों के विस्तार से जानने और अपने विषयों से संबंधित नए रास्ते तलाशने में सक्षम रह सकते हैं। अब बारी तुला राशि के जातकों की। तुला शिक्षा राशिफल 2022 के अनुसार वर्ष 2022 तुला राशि के जातकों के लिए शिक्षा के लिहाज से मिश्रित परिणाम देने वाला वर्ष साबित हो सकता है। साल की शुरुआत छात्रों के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है, क्योंकि इस अवधि में शनि आपके चौथे भाव में स्थित रहेगा। इस वजह से आपके ऊपर परिवार के लोग अच्छे परिणाम हासिल करने का दबाव बनाते नजर आ सकते हैं। इस दौरान आपको अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। अप्रैल के बाद का समय आपका ध्यान पढ़ाई से थोड़ा भंग करने के साथ साथ आपके लिए पढ़ाई में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि केतु अप्रैल मध्य में आपके प्रथम भाव में गोचर करेगा। हालांकि यह समय उन छात्रों के लिए बेहतर रहने की संभावना है जो विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं। राहु आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से आपको यात्राओं में आसानी हो सकती है। वो छात्र जो आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लेने की योजना बना रहे हैं, वह अप्रैल अंत से लेकर जुलाई तक की अवधि का उपयोग इस कार्य के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपके 5वें भाव का स्वामी शनि अपने ही भाव में गोचर करने वाला है, जिससे आपको अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। वो छात्र जो राजनीति विज्ञान इंजीनियरिंग या कानून से जुड़ी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में सकारात्मक फल प्राप्त हो सकते हैं। इस दौरान आप अच्छे से पढ़ाई करने में सक्षम रह सकते हैं और हर विषय पर आपकी पकड़ मजबूत हो सकती है। वो छात्र जिन्हें कॉलेज या आगे की पढ़ाई के लिए विषयों में चुनाव में परेशानी आ रही थी, वो भी इस दौरान इस कार्यों से जुड़े सही फैसले लेने में सक्षम नजर आ सकते हैं। अप्रैल के बाद केतु तुला राशि के लगन भाव यानी कि प्रथम भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से जीव विज्ञान सामाजिक विज्ञान या मनोविज्ञान की पढ़ाई कर रहे छात्रों को लाभ होने की संभावना है। यह अवधि शोधकर्ताओं के लिए भी अनुकूल रह सकती है, क्योंकि केतु उन्हें हर विषय को गहराई से समझने और चीजों का सार जानने के लिए शक्ति और उत्साह देगा। तुला राशि के लिए वो जातक जो मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, उन्हें इस वर्ष थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वर्ष उन्हें इस क्षेत्र में निराशा हाथ लगने की संभावना है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की छात्रों की। साल 2022 आपके लिए शिक्षा के लिहाज से कैसा है? तो इस वर्ष वृश्चिक राशि के छात्रों को बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। अप्रैल महीने तक आपके लगन भाव यानी कि प्रथम भाव में केतु के मौजूद रहने से आपकी कई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस दौरान आपकी पढ़ाई में रुचि और ध्यान में भटकाव की समस्या आपको परेशान कर सकती है। हालांकि यह समय उन छात्रों के लिए बेहतर रहने की संभावना है जो पीएचडी या फिर कोई रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपके अंदर हर विषय को गहराई से समझने की तीव्र इच्छा जग सकती है, जिसकी वजह से आप इस दौरान हर विषय को बेहतर ढंग से समझ पाने में सफल रह सकते हैं। साथ ही इस दौरान आप अपने विषय की जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करते भी नजर आ सकते हैं, जिससे आपको अपने विषयों को और भी बेहतर ढंग से समझने में सहायता प्राप्त होने की संभावना है। साल की शुरुआत में शनि का आपके तीसरे भाव में स्थित रहने की वजह से आप अपनी पढ़ाई को लेकर जुनूनी हो सकते हैं और अच्छे परिणामों को प्राप्त करने की आपके अंदर एक प्रकार की भूख जग सकती है। छात्र इस दौरान लिखित परीक्षाओं में बेहतर परिणाम हासिल करने में सक्षम रह सकते हैं। मई से लेकर जुलाई की अवधि में शनि के आपके चतुर्थ भाव में गोचर होने की वजह से आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान छात्रों को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि इम्तिहान में उन्हें कम अंक प्राप्त होने की आशंका है और साथ ही उन्हें इस अवधि में विषय को समझने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जुलाई महीने के बाद का समय खासकर उन छात्रों के लिए अच्छा रह सकता है जो इतिहास
जो साहित्य या फिर कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति आपके पंचम भाव यानी कि शिक्षा के भाव में स्थित रहेगा। यह अवधि उन छात्रों के लिए भी बेहतर रहने की संभावना है जो आगे की पढ़ाई या कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की योजना बना रहे हैं। इस समय अवधि में वृश्चिक राशि के छात्रों को उनके स्ट्रीम और ज्ञान के आधार पर अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम रोजगार भी प्राप्त हो सकता है। आपको शिक्षकों और बड़ों का पूरा सहयोग मिलने की भी संभावना है, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अब बारी धनु राशि के छात्रों की। ग्रहों व नक्षत्रों की चाल व स्थिति पर आधारित राशिफल 2022 भविष्यवाणियों के अनुसार वे छात्र जो धनु राशि के हैं उनके लिए यह वर्ष शिक्षा के लिहाज से अनुकूल रहने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति साल की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से इस दौरान आपके अंदर हिम्मत पैदा होगी और आपके मित्र व भाई बहन आपको आपकी पढ़ाई में सहायता करते नजर आ सकते हैं। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास के साथ साथ मन लगाकर पढ़ने की इच्छा भी जागृत हो सकती है। इसके साथ ही शनि भी इस अवधि में आपके दूसरे भाव में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से आपके घर वाले आपके ऊपर पढ़ाई के लिए दबाव बनाते दिख सकते हैं। आशंका है कि इस अवधि में आप अपने माता पिता और खास करके माँ से बहुत अधिक अशिष्ट और तल्ख तरीके से बात करेंगे। अप्रैल के महीने में बृहस्पति का गोचर मीन राशि में होगा, जो छात्रों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस दौरान आपका झुकाव पूरी तरह से पढ़ाई की तरफ रह सकता है और साथ ही आपकी किसी भी विषय को समझने की शक्ति में भी वृद्धि हो सकती है। आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल जनवरी मध्य के ने आपके लगन भाव से गोचर करेगा, जिसकी वजह से छात्रों के अंदर गतिशीलता और प्रतियोगी जो है की भावना प्रबल हो सकती है। इस दौरान धनुराशि के छात्र आक्रामक रूप से पढ़ाई करते हुए स्वयं को साबित करने के लिए पढ़ाई में भरपूर मेहनत करते नजर आ सकते हैं। मेडिकल के छात्रों, मेजबानी के छात्रों और पारा मेडिकल और या प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। जुलाई का महीना उन छात्रों के लिए सकारात्मक रह सकता है जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या फिर मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं। इस अवधि में मंगल का आपकी शिक्षा के भाव यानी कि पंचम भाव में स्थित होना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आप चीजों को सीखने में बेहतर हो सकते हैं और अपने विषयों को अच्छी तरह से समझने और व्याख्या करने में सक्षम रह सकते हैं। वो छात्र जो विदेश में पढ़ाई के इच्छुक है उन्हें साल की शुरुआत में इसके लिए कोशिश करने पर सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इस अवधि में मंगल आपके 12वें भाव यानी कि विदेशी जमीन के भाव से गोचर करेगा। और या फिर आप इसके लिए अगस्त के मध्य से अक्टूबर के अंत तक की अवधि में भी कोशिश कर सकते हैं, जब मंगल वृषभ राशि से गोचर करके आपके 12वें भाव पर दृष्टि डालेगा। यह अवधि उन छात्रों के लिए भी अनुकूल साबित हो सकती है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मंगल का आपके 6ठे भाव में गोचर आपके मनोबल को बढ़ाएगा, जिसकी मदद से आप कठिन से कठिन परीक्षाओं में भी अच्छे परिणाम हासिल करने में सफल रह सकते हैं। अब बारी मकर राशि के छात्रों की। साल 2022 की बात करें तो मकर राशि के जातकों को मिश्रित परिणाम देने वाला साल साबित होगा। ये साल की शुरुआत में शनि आपके लगन भाव यानी कि प्रथम भाव में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास और अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अप्रैल मध्य तक बृहस्पति आपके दूसरे भाव में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से आपके संवाद कौशल में निखार आने की संभावना है। ऐसे में इस अवधि में छात्रों को किसी भी वाद विवाद प्रतियोगिता या फिर मौखिक परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यह अवधि उन छात्रों के लिए बेहतर साबित हो सकती है जो अनुसंधान या फिर दर्शन शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस अवधि में बृहस्पति आपके 8वें भाव पर दृष्टि डालेगा, जिसकी वजह से ऐसे छात्रों की एकाग्रता में सुधार आने की संभावना है और साथ ही उन्हें अपने विषयों को विस्तार से समझने के लिए भी प्रेरित करेगा। हालांकि अप्रैल महीने तक राहु का आपके पंचम भाव यानी कि शिक्षा के भाव में स्थित रहने की वजह से आपका पढ़ाई पर से ध्यान जरूर भटक सकता है, लेकिन इस दौरान आपका समर्पण और आपकी प्रेरणा आपको हर चुनौती का सामना करने में मदद कर सकती है। अप्रैल के महीने में राहु का मकर राशि के चतुर्थ भाव में गोचर होगा, जिसकी वजह से इस राशि के छात्रों को एकाग्रचित्त होने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान इस राशि के छात्र अपने कार्य को लेकर लापरवाह हो सकते हैं, साथ ही बेवकूफी भरी गलतियां भी करते नजर आ सकते हैं। जून का महीना उन छात्रों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपके 5वें भाव का स्वामी शुक्र आपके 6ठे भाव से गोचर करेगा। इस गोचर की वजह से छात्रों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ने की संभावना है, साथ ही वे हर विषय को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम रह सकते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने मेडिकल छात्रों के लिए सुखद रहने की संभावना है और साथ ही अवधि उन छात्रों के लिए भी सुखद रह सकती है जो मेजबानी, LLB, CA, CS की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस अवधि में मंगल का आपके 6ठे भाव में गोचर होगा, जो आपको ऊर्जा से भर सकता है। साथ ही इस गोचर की वजह से आप अपने विषयों को जल्दी से सीखने और समझने में अभूतपूर्व तरीके से सक्षम रह सकते हैं। साल 2022 का अंत उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है जो विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि इस अवधि में उन्हें इस कार्य में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। अब बारी
कुंभ राशि के छात्रों की। साल 2022 की बात करें तो इसकी शुरुआत कुंभ राशि के उन छात्रों के लिए अच्छा रहने की संभावना है जो अपने पैतृक स्थान को छोड़कर किसी बाहर अच्छे विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का विचार कर रहे हैं। साथ ही यह अवधि उन छात्रों के लिए भी अनुकूल रह सकती है जो विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि का 12वें भाव यानी कि बाहरी जमीन के भाव में गोचर इस राशि के छात्रों को अपने मनपसंद कॉलेज में दाखिला लेने में मदद कर सकता है। अप्रैल महीने के अंत तक शनि आपके प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव में गोचर करेगा जो कुंभ राशि के छात्रों के जीवन में कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। इस दौरान छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि आपकी कोशिशों और मेहनत का आपको फल मिलने की प्रबल संभावना है क्योंकि ज्ञान का कारक ग्रह बृहस्पति भी आपके प्रथम भाव में गोचर करेगा। अप्रैल मध्य से बृहस्पति की दृष्टि कुंभ राशि के 8वें भाव यानी कि गूढ़ ज्ञान के भाव पर रहेगी। यह अवधि उन छात्रों के लिए अनुकूल रह सकती है जो PhD या फिर रिसर्च से जुड़ी कोई पढ़ाई कर रहे हैं। अप्रैल महीने तक राहु आपके चतुर्थ भाव में स्थित रहेगा जिसकी वजह से कुंभ राशि के छात्रों को एकाग्रता से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वो छात्र जो LLB इंजीनियरिंग या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अप्रैल अंत से लेकर जुलाई तक का महीना अनुकूल रहने की संभावना है क्योंकि इस अवधि में शनि कुंभ राशि से गोचर कर जाएगा। यह गोचर आपके छठे भाव यानी कि जुझारूपन और प्रतियोगी भावना के भाव को सक्रिय करेगा जिसकी वजह से आप इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल रह सकते हैं। जुलाई की शुरुआत सभी छात्रों के लिए फलदायी साबित हो सकती है और इस दौरान किया गया कोई भी प्रयास आपको उत्कृष्ट परिणाम दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान 3 ग्रहों यानी कि सूर्य शुक्र और बुध की आपके पंचम भाव यानी कि शिक्षा के भाव में युति होगी जिसकी वजह से इस अवधि में आपकी एकाग्रता समर्पण और विषयों को समझने में कौशल में और भी निखार आने की संभावना है। जुलाई के बाद से वर्ष के अंत तक का समय उन छात्रों के लिए एक बार फिर से अनुकूल रह सकता है जो दूरस्थ शिक्षा या विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक हैं। अब बारी मीन राशि के जातकों की। साल की शुरुआत यानी 2022 की शुरुआत आपको कुछ समस्याएं दे सकती है क्योंकि आपके पंचम भाव पर शनि की दृष्टि रहने वाली है। इस दौरान छात्रों को अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि अप्रैल महीने के बाद स्थिति में सुधार आता दिख सकता है क्योंकि इस दौरान 2 महत्वपूर्ण ग्रह यानी कि शनि और बृहस्पति का गोचर होने वाला है। शनि आपके 12वें भाव से गोचर करेगा और आपके छठे भाव यानी कि प्रतियोगिता भाव पर दृष्टि डालेगा जिसकी वजह से छात्रों के अंदर किसी भी परिस्थिति से जूझने की हिम्मत पैदा हो सकती है जो उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़िया प्रदर्शन करने में मदद करेगी। साथ ही बृहस्पति भी आपके प्रथम भाव में गोचर करेगा जिसकी वजह से आपको पूरे वर्ष बृहस्पति की कृपा से ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होते रहने की संभावना है। बृहस्पति आपके पंचम भाव यानी कि शिक्षा के भाव पर भी दृष्टि डालेगा जिसकी वजह से इस अवधि में छात्रों का पढ़ाई की तरफ झुकाव रह सकता है और वे अपना पूरा समय ज्ञान अर्जित करने के लिए समर्पित कर सकते हैं। यह साल खास करके उन छात्रों के लिए काफी सकारात्मक रह सकता है जो आगे की पढ़ाई या प्रबंधन संबंधित शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं। साथ ही वो छात्र जो अपने रुचि और शौक का पीछा कर रहे हैं उनके लिए भी यह एक अनुकूल वर्ष साबित होने की संभावना है क्योंकि इस वर्ष में वे अपनी क्षमता के आधार पर मनपसंद विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। अप्रैल के बाद की अवधि उन छात्रों के लिए अच्छी साबित हो सकती है जो PhD या वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं क्योंकि इस दौरान केतु आपके 8वें भाव यानी कि गहरे राज के भाव से गोचर करेगा। यह गोचर आपके कौशल को निखार सकता है और आप इस दौरान हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते नजर आ सकते हैं। इस वर्ष छात्रों को शिक्षकों और परिवार के बड़े बुजुर्गों का भी अच्छा सहयोग प्राप्त होने की संभावना है जिससे छात्र पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित होंगे। साहित्य या इतिहास के प्रति रुझान रखने वाले छात्र भी वर्ष के दूसरे भाग में अच्छा प्रदर्शन करते नजर आ सकते हैं। तो हमने जाना इस वीडियो में मेष से लेकर मीन तक के सभी छात्रों के बारे में कि साल 2022 आपकी पढ़ाई के लिहाज से कैसा है। आपकी जो शिकायत बनी रहती है मुझसे कि मैं छात्रों के विषय में बात नहीं करती, तो आज उम्मीद करती हूँ कि आपकी शिकायत दूर हो गई होगी क्योंकि मैंने पूरे साल की बात की है और कोशिश मेरी यही रहेगी कि हर शाम 5 बजे में जो दैनिक राशिफल का वीडियो लेकर आती हूँ एस्ट्रो सीरीज TV पर, उसमें भी आपके बारे में विशेष तौर पर चर्चा किया करूं। तो आप कोई भी शिकायत अगर आपकी अभी भी रह गई है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उससे भी जुड़ी वीडियो आपको बनाकर दूंगी। और अगर आपको कोई डाउट है, बात करना चाहते हैं हमसे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रो सेज वार्ता का लिंक दिया हुआ है। आप अपने उस विषय के आपके जो डाउट्स हैं आप उस लिंक पर क्लिक करके हमसे क्लियर कर सकते हैं किसी भी समय। जरूरी है, समय की कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी आप एस्ट्रो सेज वार्ता के जरिए जुड़कर बात कर सकते हैं। और कोई जेनरिक सवाल है तो वो लिख दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। मैं हर शाम जब 5 बजे आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो लेकर, तो उसके माध्यम से आपके सवाल का जवाब दूंगी। और अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसमें तो सिर्फ शिक्षा की बात की है, स्वास्थ्य राशिफल, प्रेम राशिफल, करियर राशिफल, आर्थिक राशिफल, हर एक चीज के बारे में हमने अपने वीडियो के माध्यम से चर्चा की है। तो अगर वो वीडियोस भी देखना चाहते हैं, आपकी राशि के लिए साल 2022 कैसा है यानी नए साल को आधार मानकर हमने बहुत सारी वीडियोस डाली अपने चैनल पर, वो सब देखकर आप अपनी प्री प्लानिंग को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। प्रभु से यही कामना रहेगी कि हमारे जो सभी 12 राशि के छात्र हैं उनके जीवन में वो
तरक्की पाएं, जो भी आपने अपने भविष्य को लेकर एक जो है प्लान किया है वो सारी प्लानिंग्स आपकी इस साल पूरी हो जाए, आप बहुत ज्यादा तरक्की करें, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इन्हीं सब कामनाओं के साथ अभी विदा लूंगी, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.